अब पूरा पानी आने के बाद 2 महीने के बाद फिर ये पानी जैसा देख रहे आप जमा हुआ है सेम उसी रहता। अब उसमें हम लोग काम आ करो उसमें जमा करो अच्छा बुरा रातों रात में होते हैं हमारे कुत्ते भी मुते इंसान ही मुते फिर हम लोग उसमें ही काम करो। नमाज भी उसी जाओ नमाज से वापस भी उसी हो खाना भी उसी खाओ तो हम लोग क्या है कुत्ते की जिंदगी गुजार रहे हैं और हम लोग कोई देखने वाला करने वाला नहीं है। आसिफ नगर डिवीजन में आवाम है परेशान बारिश के पानी की वजह से। बारिश की शुरुआत के साथ ही जगह जगह पानी जमा होने के इत्तला मिल रही हैं और नामपल्ली हलके के आसिफ नगर डिवीजन किशन नगर में कई सालों से यहां पर बारिश का पानी जमा हो जाता है जिसकी वजह से यहां के 30 से ज़ायद कारखाने मुतासर हो रहे हैं। आज यहां के फर्नीचर के कारखाने के ओनर्स ने मीडिया से बातचीत करते हुए तफसीलात बताई। हम मोहम्मद अनवर है यहाँ पर मैं आया हुआ 5-6 साल होगा आए जैसे पानी यहाँ वैसी पड़े रहता ये बारिश में पानी पड़ा तो फिर आने वाले बारिश पानी तक वैसे रहता वहाँ पर और यहाँ आगे चल के मेरा कारखाना है जिस दिन बारिश फुल हुई मेरे को बकेटों से बाहर निकाल के डालना पड़ता पानी और यहाँ कोई जाने का रास्ता है ना कहीं आने खाली पानी ठहरा तो बरस के बाहर पानी ठहरे तो हमें तीरते काम करना पड़ता तीर लेते निकलना पड़ता हमको यहाँ कोई देखने वाला नहीं करने वाला नहीं है और हम लोगों को बरस के बाहर है मुसीबत है यहाँ पर कोई हम लोग के सर देखने वाला नहीं है कोई समझ करने वाला नहीं है यहाँ पर। इससे पहले भी लास्ट टाइम भी कोई आए मीडिया वाले के बात करे फिर भी हम मदद से भाई बंदी सुपचारे से बोले कि भाई हमारा कुछ ये हल करो हमारे हम लोग बहुत परेशान है यहाँ पर लेबर में यहाँ पर 30-35-40 कारखाने और बारिश जैसा बारिश पड़ी 4 महीने बहुत मुसीबत हो रही है हम लोग को क्योंकि कारखाने में पूरा पानी घुस जाता है पानी अंदर जाने के बाद हम लोग को बकेटों से बाहर निकाल के फेंकना पड़ता है। क्या कभी जाते रहे बड़े लोग आए हमारे को पता नहीं कौन है क्या है खाली हम लोग छोटे मोटे आदमी है साहब हम लोग किसको कंप्लेंट करेंगे क्या करेंगे मजदूर पेशर आदमी है अब बस आप लोग जरा देखना जो जरूरतमंद है उसको काम करना आप लोग यहाँ कोई देखने वाला नहीं कोई करने वाला नहीं अब हम लोग छोटा मोटा मजदूर आदमी किसको बोलेंगे क्या बोलेंगे आप लोग बरोबर काम करके किराया नहीं निकाल सकते हम लोग क्या बड़े बात बोल सकते हैं लेकिन आप लोग जरा इतिहास देखना है आज से 3-4 साल पहले भी यही बात हुई खाने को खाना नहीं किराए तक नहीं बन सक रही है पानी की वजह से हम लोग अब घर जिंदगी क्या चलेंगे कारोबार क्या चलेंगे हम लोग अभी आपका दो बकेटों से पानी बाहर फेंकना पड़ता हम लोग ऊपर कारखाने में घुसता